हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टेप अप एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यूज एनालिसिस आज फिफ्टीथ नवंबर है इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं फर्स्ट न्यूज इनिशिएटिव को लेकर के है लीप इनिशिएटिव का फुल फॉर्म देखते हैं लीप स्टैंड्स फॉर लीडरशिप फॉर एकेडमिशन प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये लीप इनिशिएटिव लाया गया है एच मिनिस्ट्री के साथ याद रखेगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है लीप इनिशिएटिव को ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है यानी कि फ्लैगशिप लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये एंड इसका ऑब्जेक्टिव है कि आगे फ्यूचर में जो एकेडमिक सिचुएशन है उसको और स्ट्रेंथन किया जाए किस तरीके से लोगों में लीडरशिप रोल बढ़े उनके पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाएडी मिनिस्ट्री ने देखिए कई सारे ऐसे इनिशियेटिव प्रोग्राम्स आते रहते हैं हमारे सामने जो काफ़ी हद तक कई सारे सेक्शंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कभी इनोवेशंस को लेकर के इनिशिएटिव आते हैं तो कभी लीडरशिप को इन्हांस करने के लिए प्रोग्राम्स लाए जाते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि कई बार प्रलिम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लीप इनिशिएटिव न्यूज़ में था ये क्या है और आप इन प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव का यूज़ अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप ले रही है अपने यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए तो वहां पे आप डायरेक्टली इन सब एग्जांपल्स को लिख सकते हैं ये फोकस करेगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर याद रखेगा और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये प्रॉपर एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन विल बी थ्रू टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ एंड टॉप हंड्रेड ग्लोबल रैंक फॉरन यूनिवर्सिटीज़ तो इस पूरे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके द्वारा और इसमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की भी मदद ली जाएगी इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में ठीक है अब अगला न्यूज़ देखते हैं क्या है अर्पित इनिशिएटिव को लेकर के है अर्पित का फुल फॉर्म याद रखना है रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग तो ये भी वैसा ही प्रोग्राम है लेकिन याद रखिए जो टीचर्स होते हैं ठीक है जो प्रोफेसर्स हैं तो कैस किस तरीके से टीचिंग होनी चाहिए वहाँ पर एक वार्म अप के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इस अर्पित इनिशिएटिव को फिर से एच आर डी मिनिस्ट्री ने ही लॉन्च किया याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम है अर्पित इनिशिएटिव डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा मिनिस्ट्रीज भी कई बार पूछ लिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो यहाँ पर क्लियर रहना है एंड इसमें क्या होगा ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ 15 लाख हायर एजुकेशन फैकल्टी यूजिंग मॉक प्लेटफॉर्म स्वयं तो स्वयं का जो प्लेटफॉर्म है स्वयं की अगर हम बात करें कि ये क्या है जो देखिये स्वयं के बारे में कल भी डिस्कस किया था कि हायर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए स्वयं एक प्लेटफॉर्म है ठीक है कि यंग uh, जो माइंड्स होते हैं इसका फुल फॉर्म ही है स्टडी वेवस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड इन अ मैसेव ओपन ऑनलाइन तो इस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाएगा यहाँ पे 15 लाख हायर एजुकेशन में फैकल्टीज़ को ट्रेनिंग देने के लिए ठीक है एंड एक नेशनल रिसोर्स सेंटर होता है हमने इसके बारे में बात किया था ये जो सेंटर है यही आइडेंटिफाई करेगी ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल्स को ठीक है तो इन मटेरियल्स को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ की सहायता ली जाएगी आई है आई आई हैं एन है इग्नू है और इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का इन सारे यूनिवर्सिटीज़ का इसमें हेल्प लिया जाएगा एनआरसी के माध्यम से और फोकस किया जाएगा जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होते हैं लाइक like डिसिप्लिन है या फिर कुछ नए इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं और देखिए जो आप करिकुलम देखते हैं अपने यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वही करिकुलम हो बिकॉज अभी अगर हम डिस्कस करें तो हमारे यहाँ पे बहुत पुराना पैटर्न ही चला आ रहा है कहीं ना कहीं तक जो हमारे पढ़ने का या हमारे अचीवमेंट का एक प्रोसेस है वो बहुत पुराना है कहीं ना कहीं रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं हम लोग तो आपने भी फील किया होगा कि आप ग्रेजुएशन के टाइम पे एग्ज़ाम से दो दिन पहले या एक महीने पहले पढ़ते हैं और आपके रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं बट जब यूपीएससी में आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है और वहाँ पे आपके रिजल्ट नहीं आते हैं तो ये बात समझने वाली है कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है ओवरऑल वो कही कहीं ना कहीं बहुत बेहतर हम नहीं मान सकते हैं हायर कॉम्पिटिशन के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हम लैक करने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ़ आर हैबिट्स तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर कर्व करने की कोशिश की जा रही है कि हम किस तरीके से अपने यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें लोगों को यानी टीचर्स को फैकल्टीज को कि आगे जो जनरेशन हो उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिल सके उनका जो सोचने का तरीका है वो बदल सके उनके पढ़ने की एक्टिविटीज़ वो चेंज हो तरीका उसका बदले तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए इनिशिएटिव्स को लाया गया अभी दो दो इनिशिएटिव हमने देखा एक लीप और एक अर्पित दोनों ही एचआरडी आर डी मिनिस्ट्री कहा याद रखेगा और अगला न्यूज़ है इंदिरा इंदिरा आपको याद होगा बट जो फ्रेशर है उनको पता नहीं होगा तो ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है याद रखना है इंडिया एंड रशिया के बीच में होता है इसका नाम में ही आपको लिखे दिखेगा इंडिया एंड रशिया ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये भी याद रखना है और रिसेंटली उत्तर प्रदेश झांसी में ऑर्गेनाइज़ की गई तो इम्पॉर्टेंट है ये भी और इस बार का जो फोकस है वो यूनाइटेड नेशंस के अंडर में जो इंसर्जेंसी को कॉम्बैक्ट करने की बात चल रही है उस पर फोकस करना इस एक्साइज का पूरा मेन एम है तो इंदिरा इंडिया और रशिया के बीच में मिलिट्री है ध्यान में रखेंगे अगला न्यूज है ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों बिकॉज इस बार इसको इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया है ये जो कॉन्फ्रेंस है उसको होस्ट इंडिया कर रही है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट फर्स्ट थिंग याद रखें इसको ऑर्गेनाइज विपो के द्वारा किया जाता है विपो एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है और विपो ही ऑर्गेनाइज कर रही है इस कंटेंट मार्केट को ठीक है एंड इस कॉन्फ्रेंस को एक नाइस nice किया जाता है नए डिजिटल टेक्नोलॉजीज को कैसे हम अपने यहाँ पर शामिल कर सकते हैं कुछ चैलेंजेस को फेस करने के लिए और इन चीजों के लिए इस कॉन्फ्रेंस तो इस कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट एडिशन जेनेवा में हुआ था 2016 में और सेकेंड एडिशन जो कॉन्फ्रेंस का है वो इंडिया ने होस्ट किया है इस बार इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट विल सी द पार्टिसिपेशन Of from तो कई सारे क्रिएटिव फील्ड हैं जैसे कि वर्ल्ड टू दूनाइटेड नेशन तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा चलाई गई कई सारे मिशन के डेलीगेट्स भी इसमें शामिल थे पार्टिसिपेंट्स थे और कई सारे प्रोफेशनल्स भी इसमें शामिल हुए थे तो इसका उद्देश्य क्या होता है कई सारे फीचर जैसे कि म्यूजिक एजुकेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल इंक्लूजन इन सभी पर कॉन्सेंट्रेट करना इसका एम है और इस बार इंडिया ने आई जो डिपार्टमेंट है उसने ही इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था न्यू दिल्ली में इंडिया ने सेकेंड एडिशन को होस्ट किया है ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट का याद रखना है और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है विपो के द्वारा किया जाता है अगला न्यूज है एग्जोम इंपॉर्टेंट है ये एक ज्वाइंट स्पेस वेंचर है प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ई एस ए यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकोसमॉस ने इन दोनों को इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर के ही इस पूरे प्रोग्राम को इनिशिएट किया है जॉइंट वेंचर है इन दोनों का मार्स के लिए एंड दो मिशन हैं इसमें यानी एग्जो मार्स प्रोग्राम जो है वो दो मिशन को कंप्राइज करता है इसमें 2016 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ट्रेस गैस ऑर्बिटर को और अभी रिसेंटली इस एग्जो मार्स प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है इसका प्लान है 2020 का यानी 2020 में सेकेंड मिशन को लॉन्च किया जाएगा इसमें रोबर होगा एंड सरफेस साइंस प्लेटफॉर्म जिसकी मदद से मार्स में चीजों को स्टडी की जाएगी ठीक पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य यह है कि ये ऑलमोस्ट इक्वेटर के पास लैंड करेगा यानी मार्स का जो इक्वेटर है वहां पर लैंड होगा और वहां पर एक पूल ऑफ वाटर है ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर मैसिव पूल ऑफ वाटर है प्री एरा से उसको आ, उसको पता लगाना स्टडी करने के लिए इस पूरे प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा ई और रशिया के द्वारा ठीक है तो इस तरीके का ये प्रोजेक्ट है हालांकि ये सारे प्रोजेक्ट एक जैसे ही दिखते हैं बट आप इसको देख सकते हैं अगला न्यूज है पीएम एम एस टी आई ए सी एस टी आई ए सी का फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इंटरेक्ट किया है इस काउंसिल के साथ इसमें ट्वेंटी वन टोटल मेंबर्स होते हैं इस मिनिस्टर इस काउंसिल में और इनका एम बहुत ही सिंपल सा है कि किस तरीके से अपने यहाँ एजुकेशन में साइंस को बढ़ावा देना और एनवामेंट हेल्थ एजुकेशन इन सभी जो इन इसको जो चैनलाइज करने वाली मिनिस्ट्रीज़ है उनको चेकआउट करना और वहां से तालमेल बिठा के रखना इस पूरे काउंसिल का काम होता है तो बस छोटा सा न्यूज़ है ध्यान में रखेंगे अगला न्यूज़ है इंडियन हेल्थ फंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाटा ट्रस्ट और ग्लोबल फंड ने इसको बैक किया है यानी इसको सपोर्ट किया है इंडियन हेल्थ फंड को हैज़ चूजन फोर इनोवेटर्स फॉर अर्ली डिटेक्शन of ट्यूबर क्लॉसिस मलेरिया टू फैक्टिव टेकल दिस इराडिकेट डिजीज तो मलेरिया को टीबी को इराडिकेट करना इंडिया से हमारा मेन गोल है मेन एम है और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आईएचएफ बनाया गया है इंडियन हेल्थ फंड बनाया गया है टाटा ट्रस्ट और द ग्लोबल फंड के द्वारा देन आईएचएफ एच लॉन्च टू तो इस फंड को लॉन्च किया गया था टू में टाटा ट्रस्ट और ग्लोबल फंड के कोलाबरेशंस थे डिजीज को, के चैलेंजेस को आई uh, मीन I mean, uh, फेस करने के लिए और कैसे हम इसको इराडिकेट कर सकते हैं इंडिया से इसके लिए ही इस फंड को तैयार किया गया है एंड ये जो फंड होगा ये सपोर्ट्स करेगा इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइजेशंस को और जितने भी और सर्विसेज होते हैं उन सभी को राइट टू इराडिकेट द टीबी एंड मलेरिया द इनिशिएटिव इज अ लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज अलाइन विद द कंट्रीज ग्लो गोल ऑफ एलिमिनेटिंग टीबी बाय ट्वेंटी तो 2025 का टारगेट है प्लीज़ रिमेम्बर दिस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है याद कर लें इसी वक्त कि कब किसको इरेडिकेट करने का टारगेट है तो कंट्री का टारगेट है टीबी को एलिमिनेट करना 2025 तक का और मलेरिया को 2030 तक तो आपको याद होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा उसमें सेवनटीन गोल्स हैं और उसमें एक गोल में ये भी शामिल है कि जितने भी ये इन्फेक्शस डिजीज होते हैं उनको इरेडिकेट करना अपनी अपनी कंट्रीज से तो इंडिया ने भी अपना टारगेट फिक्स किया है और इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए इस फंड को तैयार किया गया है टाटा ट्रस्ट और ग्लोबल फंड के माध्यम से अगला न्यूज है इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम बहुत इंपॉर्टेंट है टेंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम की कोची में ठीक है तो ये फैक्ट है इसको ध्यान में रखना है कि टेंथ एनिवर्सरी कहां पर सेलिब्रेट की गई आईओ की एंड इसमें ये सारे कंट्रीज हैं आई में प्लीज़ इसको आप एक बार व्यू ज़रूर करें इंडियन ओशन में शामिल जितनी भी तो इंडियन ओशन में आई फाउंड जितनी भी कंट्रीज़ हैं उस सभी इसका हिस्सा होती हैं आई का एंड इसके बारे में बात करते हैं ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में पहली बार ऐसा कोई इंटरनेशनल मेरी सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था दो में यानी कि आई कब का प्रोजेक्ट है दो का प्रोजेक्ट है एंड uh, provides अ फोरम फॉर डिस्कशन जाहिर सी बात है इंडियन ओशन में शामिल जो भी कंट्रीज हैं उनमें फ्रेंडरी रिलेशन हो और आपस में कॉपरेशन हो डिस्कशन हो उसके लिए एक फोरम तैयार किया गया था इसके नाम से एक सिम्पोजियम बनाया गया था और एट प्रेजेंट इसमें ट्वेंटी फोर मेम्बर कंट्रीज़ हैं और साथ ही एट ऑब्जर्वर नेवीज भी हैं प्लीज़ रिमेंबर दिस फैक्ट ट्वेंटी फोर मेम्बर कंट्रीज और एट नेवीज़ हैं एंड वॉल्टी इनिशियट दैट सीक्स टू इंक्रीज मेरी टाइम कॉपरेशमंग नेवीज तो जितने भी नेवीज हैं उनके बीच में एक अच्छा कॉपरेशन उसके लिए इसको लाया गया था एंड एन टी आर डी यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड इंटर ऑपरेटिबिलिटी और एंटी पायरेसी को नए नाम से दिया गया उसका नाम था मेरी टाइम सिक्योरिटी और मेरे टाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंदन करने के लिए सारे कंट्रीज आपस में बातचीत करती हैं तो आई ओ एन एस एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है फोरम है इसके बारे में ज़रूर याद रखें अगर न्यूज़ है ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं द सेंटर इज प्लानिंग टू डेवलप एन ऑनलाइन डैशबोर्ड टू ट्रैक स्टेट परफॉर्मेंसेस स्टेट के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए और इसको ओवरऑल इस इंडेक्स को 2019 में पब्लिश किया जाएगा जनवरी 2019 में कि किस स्टेट में किस कितना काम हो रहा है एग्री बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए ठीक है यानी कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए फार्मर्स को हेल्प करने के लिए कितने जगह पर क्या क्या काम हो रहे हैं वो इस इंडेक्स के माध्यम से पब्लिश किया जाएगा तो अ न्यू ईज़ ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस इंडेक्स विल रैंक द स्टेट स्टेट की रैंकिंग इसमें शामिल होगी यानी इंडिया के अंदर में जो स्टेट आते हैं उनका इसमें चेकआउट किया जाएगा कि वहां पर प्रोडक्टिविटी कितनी है इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है और जो रिस्क मिटिगेशन मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं कि नहीं एग्री मिनिस्ट्री विल कंसीडर रिवॉर्डिंग द हायर परफॉर्मेंसिंग स्टेट्स बोथ इन एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल टर्म्स जाहिर सी बात है जो स्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा उसको आगे अवार्ड भी दिया जाएगा एंड प्रपोज इंडेक्स विल फोकस ऑन द रिफॉर्म मार्केटिंग रिफॉर्म्स गवर्नेंस एंड लैंड रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मीनस में ज़रूर आप ऐसे लाइन्स को लिख सकते हैं कि इस इंडेक्स के माध्यम से ये कोशिश की जाएगी कि लैंड रिफॉर्म गवर्नेंस रिफॉर्म और मार्केटिंग रिफॉर्म इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो कुछ पैरामीटर्स भी इसके बनाए गए हैं इसके पैरामीटर्स में क्या क्या चीज़ें हैं जैसे कि स्टेट विल बी रेटेड ऑन देअर सक्सेस इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फार्म इनपुट्स तो फार्म इनपुट्स के कॉस्ट को कितना कम किया गया इस पर भी इसको ध्यान आई मीन इंडेक्स को चेक किया जाएगा फिर सॉइल हेल्थ कार्ड को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग्स और माइक्रो इरीगेशनस को किस तरीके से इंक्रीज और इनकरेज कर रही है वो स्टेट अपने यहाँ पर इन सभी को पैरामीटर्स के तौर पर रखा गया है और रिस्क मिटिगेशंस मेजर्स कितने लिए गए क्रॉप और लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस ये सारी चीज़ें आते हैं रिस्क मिटिगेशन मेजर्स में उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों ने क्या क्या काम किए ये सभी इस पैरामीटर्स में शामिल किए जाएंगे और अब अगला न्यूज है इंडियन विंड टर्बाइन सर्टिफिकेशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है पहली चीज आप इसका मिनिस्ट्री जरूर याद रखें न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी ने विंड एनर्जी चेन्नई के साथ और प्रिपेयर किया गया इस स्कीम को इस नई स्कीम का ड्राफ्ट तैयार किया गया इंडियन विंड टर्बाइन सर्टिफिकेशन स्कीम यानी कि इसमें न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी तो होनी ही चाहिए बिकॉज विंड टर्बाइन uh, सर्टिफिकेशन है यानी कि विंड एनर्जी की बात हो रही होगी और उसके साथ जो इंस्टीट्यूट है विंड एनर्जी का चेन्नई में उन्होंने मिलकर के इसका पूरा गाइडलाइन पब्लिश किया है एंड इट इज अ कंसोलिडेशन ऑफ रिलिवेंट नेशंस एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तो इसमें इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड्स को भी शामिल किया जाएगा कि किस किस गाइडलाइंस पर चीज़ों को तैयार किया जाना है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसको आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, है काफ़ी सो थैंक यू वेरी मच फॉर बिंग विद मेहर वॉशिंग डिस्कशन सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और अगर आप इसको रोज़ फॉलो करते हैं तो इस वेबसाइट पर डब्ल्यू पर जाकर के पी को भी आप वहां से ले करके और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं कॉल करें अगर आप दिल्ली आने का प्लान कर रहे हैं एंड इफ यू आर नॉट कैपेबल टू कम इन दिल्ली तो हमारा पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम ऑनलाइन भी होता है आपको मालूम है ये रोज़ बताया जाता है तो आप हमें कॉल करके पता करें इसके बारे में और अगर आप दिल्ली में हैं और नए बैच में आना चाह रहे हैं तो मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं नए बैच में अपने काम को या नेक्स्ट बैच के लिए आप पता कर सकते हैं तो थैंक यू वेरी मच